बहुत बहुत सारे दुनिया भर च वसदे लोगों नूं वधाई वधाई वधाई। इस करके क्योंकि अज सरदार रणजीत सिंह जिस ते पुलिस ने बड़ी तशद्दत आई, जिसनूं पब्लिकली तुसीं देखिया किस तरह कुटिया मारिया, उस उत्ते हर तरह की तशद्दत आई और फिर उसनूं 307 वर्गियां धाराओं के तहत अंदर बंद कर दिता। अज गुरु साहब की रहमत बख्शी सदके, गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा सदके दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को बड़ी वड्डी जित मिली है, जिथे रणजीत सिंह की हुणे हुणे जमानत हुई है, वह बहुत जल्दी जेल तो बहर आ रहा है। उत्थे मैं सारे साडे वकील साहिबाना का कोटान कोट धन्नवाद करदा, क्योंकि असीं दस नहीं रहे किसी नूं, उहदी बेल रिजैक्ट हुई पहला, असीं ये जानकारी नहीं आउणती क्योंकि सारे डिमोरलाइज हो जाने सी, मनोबल टुट जांदा है। पर असीं सैटरडे नूं रिजैक्ट हुई, मंडे नूं कल ही दुबारा ला के और अज हीरिंग कराई और गुरु साहब की कृपा हुई, रणजीत सिंह बड़ी चढ़दी कला चा और थोड़ी देर बाद असीं नूं जेल तो लैण जावांगे। सो मैं पहिलां तां धन्नवाद करदा हां साडे उहनां दे भरा साडे नाल प्रदीप जी, जिस दिन दा वाकिया खड़ा होया भावें भरा है फर्ज आ, पर एक दिन भी प्रदीप ने इथों बाहर इस कमरे चो नहीं रखिया, हर वेले इत्थे रहना वकीलों के कोल, भरा नूं मिल के आना और उन्होंने चाचा जी सरदार सतनाम सिंह जी। सो सब तो पहले मैं सरदार हरमीत सिंह जी नूं बेनती करूंगा एक सरोपा हो सरदार प्रदीप सिंह जी नूं, बोले सो निहाल, जगदीप जी नूं, जगदीप जी नूं बेनती, जगदीप जी दिओ इक, बोले सो निहाल। हुण मैं बेनती करूंगा, साडे एडवोकेट कई नहीं पहुंचे पर मैं उन्हां दा धन्नवाद करना चाहुंदा है, सरदार आर एस चीमा साहब दा, उन्होंने सानूं सारा गाइड किया, एक एक चीज उन्होंने सानूं बना के दित्ती, उन्हां दे बहुत वड्डा योगदान है इन्हां दे बेल दे अंदर। और मैं नाल ही चाहर साहब जे जिहड़े बार एसोसीएशन दे प्रेजिडेंट ने और वॉलंटियरली प्रो बोनो बिना किसी लालच के अपने होर दोस्तों नाल लैके हमेशा कोर्ट साइड दी पेश हुंदे ने, मैं उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा। सरदार जसप्रीत सिंह जी राय साहब नूं बेनती करदा अगे आ, हरमीत जी सरोपा देख के साडे एडवोकेट, बोले सो निहाल। सरदार जसदीप सिंह जी ढिल्लों साहब बहुत वड्डा योगदान इन्हां दा भी बेल दे अंदर, बोले सो निहाल। सरदार रविंदर सिंह संधु जी, संधु साहब अगे आओ तुसीं वी, साडी भैण बीबी रविंदर कौर जी जिहड़े सारा दिन इत्थे बैठ के सारियां बेल एप्लीकेशन, श्री मैं बेनती कर रहा जगदीप सिंह कालों जी देन के सरोपा इन्हां नूं भैन जी नूं, बोले सो निहाल। मैं प्रतीक कोहली जी, प्रतीक कोहली जी संकल्प कोहली जी नूं भी दोनों बेनती करदा अग्गे आउण, सो साडे दिओ जी हरमीत जी, सो बहुत बहुत सारिआं दा धन्नवाद है अज आप सारिआं दे, बहुत बहुत धन्नवाद सारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साडे ऑफिस ब्रिगेड साहिब दा सरदार हरमीत सिंह कालका, साडे लीगल दे चेयरमैन सरदार जगदीप सिंह जी कालों, सारिआं ने जिस तरीके इन्नी वड्डी मुशक्कत करके इस लड़ाई नूं लड़िया, वीरो असीं तुहानूं विश्वासन दवाया सी पर गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा हुई है, गुरु साहब ने इन्नी रहमत बख्शिश की आ, जिथे साडा वीर अज जेल तो रिहा हो रहा है उत्थे असीं इह वी इंश्योर करांगे कि उस दे जिन्हां ने उत्ते तशद्दद कीती सी उन्हां ते मुकदमा दर्ज करा के उन्हां नूं हुण जेलां च भेजा जावे, हुण वारी उन्हां दी शुरू हो गई आ जिन्हां ने साडे वीर दे उत्ते हत्थ चुक्किया सी। सो फिर तो सारिआं नूं बहुत बहुत वधाई, बहुत बहुत वधाई, इसे तरह चढ़दी कला च आपां रहीए, इकजुट रहीए और जिहड़े लोग सानूं कमजोर करना चाहुंदे ने, साडे अंदर बह के साडे लोकां दा नुकसान करना चाहुंदे आ, उन्हां तों सचेत होईए। बहुत बहुत धन्नवाद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरमीत जी ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੋਲ ਦੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵਿਸੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-8, 10-10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ
डेढ़ महीने के अंदर अंदर उन्होंने बाहर लेके आना मैं समझता बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। सो समुची कौम वधाई देंद और धनवाद करते हैं कि जिस तरीके साढ़े ते विश्वास रखिया असी अपने इन मकसद के उत्ते इन कामों के उत्ते पूरे उतर रहे असी करके। सो सारे का बहुत बहुत धनवाद और बहुत बहुत वधाई। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।